हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की ओर से सितंबर क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे अनऑडिटेड रिजल्ट आउट हो चुका है, स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड का सेकंड क्वार्टर और हाफ ईयर एंडेड का रिजल्ट है, जो कि आज इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग कंसोलिडेटेड को ही कवर करेंगे, मिलियंस में नंबर दिए गए हैं। इनकम की बात करें, इस बार का कंपनी जो इनकम जनरेट किया है, इस बार का अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर था 1248.9 करोड़ का इनकम था, जबकि लास्ट क्वार्टर में 1644 करोड़ का इनकम था, करंट क्वार्टर में 1717 करोड़ का इनकम था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाई, ओके इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बहुत स्ट्रॉन्ग जंप किया है। एक्सपेंस कंपनी का 679.6 करोड़ का लास्ट ईयर था, लास्ट क्वार्टर 936.5 करोड़ का, और करंट क्वार्टर में 795.9 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई है, ईयर ऑन ईयर में भी बहुत ज़्यादा कंपनी का एक्सपेंस किया गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लास्ट ईयर था 569.3 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 707.5 करोड़ का, करंट क्वार्टर में 711 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एवरेज इंक्रीज किया गया, कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट 423.6 करोड़ का लास्ट ईयर था, लास्ट क्वार्टर में 526.9 करोड़ का, करंट क्वार्टर में 529 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो गाइस एज इट इज सेम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। वहीं ईपीएस की बात करेंगे, 16.2 रुपीज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है एवरेज ग्रोथ, लेकिन ईयर ऑन ईयर में भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ है। क्या इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर की प्रॉफिट में एवरेज ग्रोथ, बट या जो साल दर साल का जो नतीजे निकल गया है बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इनकम प्रॉफिट दोनों इंक्रीज किया है। सेगमेंट वाइज ट्रेजरी ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूअर सर्विसेज एंड एडवाइजरी अनएलोकेटेड, इन सभी को ऐड करके रेवेन्यू हुआ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो एवरेज ग्रोथ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में बहुत स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है। ओवरऑल रिजल्ट गाइस, कंपनी को बहुत अच्छी पेश किया है, ठीक है, अच्छी रिजल्ट देखने को मिला है। शेयर की बात करें, 846.8 रुपीज में शेयर क्लोज किया, 0.35% का लॉस है, 5 डे में 0.2% का लॉस है, 1 मंथ में 5.7% का लॉस है, 6.17% का प्रॉफिट है। गाइस, कंपनी का शेयर ऑलरेडी अगर देखा जाए तो डाउनफॉल देखने को मिल रही थी, लेकिन जिस तरह रिजल्ट पेश का चांस है, कंपनी का शेयर यहाँ से रिवर्स कर सकता था। देखना ये कैसा परफॉर्म करता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डिसीजन लीजिएगा। तो हम लोग वीडियो कहीं प्रेजेंट करते हैं, अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।